और बद्रीनाथ धाम के कपाट आज शाम 5:13 पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे और इसी के साथ चार धाम यात्रा का समापन भी हो जाएगा। दोपहर 1:30 सायकालीन पूजा होगी, 3 से कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इसके लिए मंदिर को गेंदों के फूल से सजाया गया है। कपाट बंद होने की प्रक्रिया के तहत शनिवार को मुख्य पुजारी ईश्वरी प्रसाद माता लक्ष्मी की विशेष पूजा करने के बाद लक्ष्मी जी का आह्वान किया और आज कपाट बंद होने से पहले माता लक्ष्मी को भगवान बद्रीनाथ के मंदिर में विराजमान किया जाएगा। तो बद्रीनाथ धाम के कपाट आज बंद कर दिए जाएंगे और उसको लेकर के कार्यक्रम की जो तैयारियां हैं मंदिर प्रशासन द्वारा पूरी कर ली गई हैं। शाम 5:13 पर ये कपाट बंद हो जाएंगे। चार धाम यात्रा का समापन भी हो जाएगा। दोपहर 1:30 सायकालीन पूजा होगी, 3 से कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इसके लिए मंदिर को गेंदों के फूल से सजाया गया है। कपाट बंद होने की प्रक्रिया के तहत शनिवार को मुख्य पुजारी ईश्वरी प्रसाद माता लक्ष्मी की विशेष पूजा करने के बाद लक्ष्मी जी का आह्वान किया और आज कपाट बंद होने से पहले माता लक्ष्मी को भगवान बद्रीनाथ के मंदिर में विराजमान किया जाएगा। तो बद्रीनाथ धाम के कपाट आज बंद कर दिए जाएंगे और उसको लेकर के कार्यक्रम की जो तैयारियां हैं मंदिर प्रशासन द्वारा पूरी कर ली गई हैं। शाम 5:13 पर ये कपाट बंद हो जाएंगे। और बद्रीनाथ धाम के कपाट आज शाम 5:13 पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे और इसी के साथ चार धाम यात्रा का समापन भी हो जाएगा। दोपहर 1:30 सायकालीन पूजा होगी, 3 से कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इसके लिए मंदिर को गेंदों के फूल से सजाया गया है। कपाट बंद होने की प्रक्रिया के तहत शनिवार को मुख्य पुजारी ईश्वरी प्रसाद माता लक्ष्मी की विशेष पूजा करने के बाद लक्ष्मी जी का आह्वान किया और आज कपाट बंद होने से पहले माता लक्ष्मी को भगवान बद्रीनाथ के मंदिर में विराजमान किया जाएगा। तो बद्रीनाथ धाम के कपाट आज बंद कर दिए जाएंगे और उसको लेकर के कार्यक्रम की जो तैयारियां हैं मंदिर प्रशासन द्वारा पूरी कर ली गई हैं। शाम 5:13 पर ये कपाट बंद हो जाएंगे। सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए। फेसबुक पेज है www.facebook.com/abpganga। ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abpganga।